हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो इतना इजी है ग्रो करने में कि चाहे वो कोई बिगिनर हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो, सब उसे उगा सकते हैं और उसके मल्टीपर्पस यूजेस भी हैं। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो में और जानते हैं कि वो कौन सा प्लांट है। आज मैं आप लोगों से जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है नॉस्ट्रेशियम का प्लांट। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ये सारे प्लांट रखे हुए हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने इन्हें ख़रीदा नहीं है, ना ही मैंने इन्हें ग्रो किया है। ये खुद ब खुद पिछले साल के मेरे कुछ प्लांट मैंने लगाए थे उसके सीड इसमें खुद ब खुद गिर गए थे। मैंने कलेक्ट भी नहीं किया था इसे और खुद ब खुद सीजन आने पे ये अपने आप ही उगा है। इसलिए ये मतलब इतना अच्छा मुझे लगा कि कैसे बिना मेहनत का ये प्लांट अपने आप सीजन आने पे उगा है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी गार्डनर है इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये इस प्लांट में हल्की हल्की सी खुशबू होती है जिसकी वजह से बीज और भी जो हमारे अच्छे वाले इंसेक्ट होते हैं वो हमारे गार्डन में आते हैं। इसलिए ये प्लांट रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो सीड होते हैं वो इतने मोटे मोटे और बड़े होते हैं कि अगर ये मिट्टी में गिर भी जाएं तो ये ख़राब नहीं होते। अगले साल जैसे ही ठंड का मौसम आता है ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पहले से लगे हुए प्लांट जो हैं, ये कॉस्मोस का एक प्लांट लगा हुआ था, उसमें भी इसके कुछ सीड गिर गए थे और ये अपने आप इसके बीच से ही उगाया। यहाँ एक कटिंग मैंने ये गुलदावदी की लगाई थी और उसमें भी ये उगाया। आप देखें इसमें दो तीन प्लांट खुद ब खुद उगे हुए हैं और मैंने इसे सेपरेट भी नहीं किया और इसी में चलने दिया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने इसी में इसको ग्रो होने दिया। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये कितनी अच्छी बात है कि हमें बिना मेहनत किए हुए अगर इस तरह का इतना खूबसूरत प्लांट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो हमें, मैं इसीलिए इसकी मिट्टी बना के भी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका सोयल अगर पुअर है, मतलब कि उसमें अगर कोई भी मैन्योर नहीं मिला हुआ है, तो भी ये बहुत मज़े से चलते हैं और बहुत अच्छे से। जब भी आप कहीं से भी मिट्टी लाते हैं तो उसमें अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ थोड़ी सी चाय पत्ती हल्की सी मिला करके और उसमें इसको ग्रो कर दें। तो सब कुछ घर में ही अवेलेबल है। और आप देखें, मैंने चूँकि इसमें ये गुलदावदी की कटिंग लगाई थी, वो भी मुश्किल से 2-3 इंच बड़ी कटिंग थी और मुझे इसमें फ्लावर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावर खिल गए। तो जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें हम कोई कंपोस्ट, मैं स्पेशली कोई कंपोस्ट उस वक्त नहीं डालती हूँ। तो आप सोचिए कि मेरी मिट्टी बिल्कुल रॉ है, इसमें मैंने कुछ भी फर्टिलाइज़र मैन्योर कुछ भी नहीं दिया है और उसके बावजूद भी ये कितने अच्छे से इतनी ठंड में फ्लावरिंग कर रहा है वो देखें। मैं इस प्लांट के बारे में आप लोग को 2-4 इंटरेस्टिंग बात भी बता दूँ। पहली बात कि बिना मैन्योर के ग्रो करता है। दूसरी बात है कि अगर आपके पास छत नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो आप इसको बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। फूल थोड़े कम आएंगे, अगर 2-3 घंटे की धूप आती है तो भी चलेगा, फूल थोड़े से कम आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसके लीव्स देखें कितने सुंदर हैं। गोल गोल लीव्स होते हैं और बहुत ही सुंदर कलर होता है इसका। और अगर ऐसे भी आपके प्लांट रहें तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जो भी बालकनी गार्डनिंग करते हैं वो लोग अपने हैंगिंग प्लांट में, हैंगिंग बास्केट में इसको लटका सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितने तरह से आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ गमले में लगा लिया है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सारे सीड कोई भी मेरे खुद के लगाए हुए नहीं हैं, खुद ब खुद ये गिर गिर के अपने आप ही लगे हुए हैं। ये मेरा हैंगिंग बास्केट है, इसमें अपने आप ये पिटूनिया का एक प्लांट भी निकल आया और एक ये प्लांट भी निकल आया है। तो आप देखें कि इसको अगर हम हैंग करेंगे, अगर इसमें 2-3 प्लांट लगा दें तो हैंग करने के बाद ये नीचे की तरफ ऐसे लटकते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि हम इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको ट्रेल कर सकते हैं
आप रस्सी बांध करके अगर इसको ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये रस्सी के सहारे ऊपर बेल बन के भी चलती जाती है, तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। और सनलाइट अगर प्रॉपर सनलाइट देते हैं तो बहुत सारे फूल खिलेंगे, और अगर पार्शियल शेड में रखते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हाँ, थोड़ी सी फ्लावरिंग कम होगी लेकिन बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अभी आप देखें ये शुरुआत है इसके फ्लावरिंग का, और जैसे जैसे अभी फरवरी का महीना आएगा आपको ये पत्तियाँ दिखनी बंद हो जाएंगी और सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। बहुत ही आई कैचिंग और बहुत सुंदर प्लांट है ये। मुझे पर्सनली वो प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं जिनका मल्टीपर्पज़ यूज़ हो, तो उनमें से ये भी एक प्लांट है। जैसे कि इसका एक खास इसका जो गुण है मैं आपको बता दूँ, वो है कि ये इसके सारे पार्ट खाए जा सकते हैं। मतलब ये कि आप देखेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट वुड प्लांट है, जैसे ये बहुत सॉफ्ट है, इसकी टहनियाँ भी और इसके जो मेन स्टेम है वो भी, तो ये पत्तियाँ भी आप इसकी अपने सलाद में यूज़ कर सकते हैं, इसके जो फ्लावर हैं वो भी अपने सलाद में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि ये दिखने में जितना खूबसूरत है इसका यूटिलाइज़ भी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप यहाँ देखें ये इसका सीड है, ये और भी बड़े बड़े हो जाते हैं, मटर के दाने इतने बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े, और खुद ही ये गिर जाते हैं गमलों में। आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे या तो कलेक्ट कर लें धूप में सुखा लें, और अदरवाइज़ आप इसको गमले में ही छोड़ दें। और आप अगर एक सीड लगाते हैं तो उससे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे चूँकि ओपन पॉलिनेशन होता है, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे मैंने ऑरेंज कलर का सीड डाला तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ्लावर ऑरेंज कलर के ही आएंगे। ये देखें आप यहाँ पे ये येलो एंड ऑरेंज का मिक्स, कितना खूबसूरत सा ये प्लांट है। और मेरे पास येलो कलर के भी हैं लेकिन अभी वो ओपन नहीं हुए हैं, मैं आपको उसके जो बर्ड्स हैं वो दिखा दूँगी। और डिफरेंट डिफरेंट सेट के इसमें निकलते हैं, तीन कलर होते हैं, रेड येलो ऑरेंज और मिक्स सेडेड, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो एक बार सीड सो करने के बाद अगर हमें हर साल अपने आप इस तरह के खूबसूरत प्लांट खुद ब खुद मिलते रहें तो कितना अच्छा है। आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। यहाँ देखें, यहाँ एक दो तीन और प्लांट उगाए हैं, और आप देखें कि ये खुद ब खुद थोड़ा सा सहारा मिलने पे इसकी ट्रेलिस बन जाती है, ये ट्रेल होकर के ऊपर चढ़ते जाते हैं थोड़ा सा सपोर्ट देने के बाद। मैं इसको देख रही हूँ, मैं धीरे धीरे इसको इस तरह से सपोर्ट देते देते यहाँ पे फैला दूँगी, तो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं सपोर्ट पा करके। मतलब हैंगिंग के लिए भी बेस्ट प्लांट, छोटे से छोटे कंटेनर में डाल दीजिए उसके लिए भी बहुत बढ़िया, और इस तरह के ट्रेलिस बनाने के लिए भी ये सबसे बेस्ट प्लांट है, इसलिए इसको ज़रूर लगाएं। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया है कि ये पुअर सोयल में बहुत अच्छा थ्राइव करता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मैन्योर इसमें डाल देते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ देखें, ये मेरे एक ग्रो बैग में लगा हुआ है, खुद ब खुद निकला हुआ है सीड से, और आप देखेंगे कि मेरे उस यहाँ देखें एक ग्रो बैग है इसमें लगा हुआ है, और ये खुद ब खुद ये भी प्लांट निकला है। तीन चार प्लांट होगा, मैंने इसी में छोड़ दिया था क्योंकि इसमें पहले जो प्लांट लगे हुए हैं वो डोरमेंसी पीरियड में हैं, इसलिए मैंने इसको इसी में रहने दिया। और आप यहाँ पे देखें, चूँकि इसमें बहुत अच्छा मैन्योर डला हुआ है, होममेड कंपोस्ट है इसमें, तो इसमें क्या हुआ कि पत्तियाँ काफ़ी फैल गई हैं लेकिन आपको फ्लावर कहीं नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन मैंने इसे रहने दिया है क्योंकि मैं इसके जो ये लीव्स है इसको हार्वेस्ट करके अपने सलाद में यूज़ करूँगी, तो आप लोगों को इसलिए भी मैंने बालकनी में लगाने की सलाह दी है क्योंकि अगर इस तरह की पत्तियाँ भी होती हैं तो ये बहुत सुंदर ग्रीनरी ऐड करती हैं आपके बालकनी में। और जैसे जैसे मौसम थोड़ा गर्म होगा तो फ्लावर भी आने शुरू होंगे, बेशक थोड़े कम आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। और जैसे ही फ्लावर आने शुरू हों तो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और फ्लावरिंग इसकी नीचे से होती है, जैसे मैं आपको इसके बर्ड दिखा दूं, ये मैंने अभी आपसे कहा था कि येलो कलर की भी फ्लावर, ये देखिए ये बर्ड में येलो कलर दिख रहा है, तो ये येलो कलर के फ्लावर इसमें से निकलेंगे। लेकिन इसके बर्ड देखें कितने छोटे छोटे और कितने अंदर अंदर हैं, अगर ये बर्ड खिलेगा भी तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर क्या हमें करना है कि ये बड़ी बड़ी पत्तियों को हमें पिंच कर देना है। यहाँ से आप इसका यूटिलाइज़ कर लीजिए सलाद में, और
पत्तियाँ निकाल देने से वो आपको अच्छे से फ्लावर फिट दिखने लगेंगे। तो मल्टीपर्पज़ यूज़, बहुत कम मेंटेनेंस, लो सनलाइट, अगर 2 घंटे की भी आपकी बालकनी में सनलाइट आती है तो ऐसे तो और कोई फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से नहीं चल पाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ रोशनी कम आती है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें केयर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को लगा लें। इतना कलरफुल और इतना लो मेंटेनेंस प्लांट बहुत कम होते हैं जो इतने कम केयर में चलते हैं, इसलिए इसको ज़रूर जगह दें अपने गार्डन में। इसमें पानी का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेम इसकी फ्लैशी होती है, इसलिए पानी सूख जाने के बाद, ऊपर अपर लेयर सूख जाने के बाद ही इसको वाटरिंग करें। मॉइस्ट रहना चाहिए मिट्टी, बस इतनी ही इसकी केयर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।